जैसा कि आप स्क्रीन पर ये मॉडल देख पा रहे होंगे, आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। बहुत ही बेहतरीन डिजाइन है, 30x50 दोस्तों, 30x50। इसको आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें आपको बेसमेंट मिलेगा, मतलब कि एक तलघर मिलेगा अगर हम हिंदी भाषा में बात करें, और एक मार्केट डिजाइन मिलेगा फर्स्ट फ्लोर पर, और लास्ट वाले फ्लोर पर सेकेंड फ्लोर पर आपको मिलने वाला है पूरा हाउस का डिजाइन जिसमें आप रह सकते हैं। ये कमर्शियल पर्पज और रेंट पर्पज की बात करें और आपके रहने के योग्य पूरा तरीके से संपूर्ण घर है, इसको हम बात करेंगे आज पूरा। और साइज़ की बता दूं, यहाँ पर जो ये साइज़ आप देख पा रहे हो 30 फिट इसकी चौड़ाई है, और लंबाई की बात करें ये इसका 50 फिट है। और ये दोस्तों ऐसा एक डिज़ाइन मैंने हमारे एक मित्र हैं उनका मैंने ये हाउस प्लान डिज़ाइन किया है, उनके कहने पर डिज़ाइन किया है। ये जो मकान है यहाँ पर 3 साइड रोड है दोस्तों। फ्रंट की बात करें तो यहाँ भी रोड है, लेफ्ट से राइट साइड भी रोड है, और बैक पे भी रोड है। तो उन्हीं के देखते हुए मैंने ये मॉडल डिज़ाइन किया है। यहाँ पर रोड का साइज़ अलग अलग है, वो डिपेंड नहीं करता। ये बहुत ही बेहतरीन मकान है, और आपका बेसमेंट पूरा हॉल बनाया है मैंने, बीच वाले फ्लोर पर पूरी सारी मार्केट डिज़ाइन की है, और साथ साथ ऊपर रहने की व्यवस्था की है। तो इसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं बनेज बोर्ड में लगातार। बहुत ही बेहतरीन प्लान और उम्दा आपको डिजाइनिंग यहाँ पर मिलेगा। तो उससे पहले अगर आप हमारे स्मॉल हाउस प्लान को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको लेटेस्ट हाउस प्लान, लेटेस्ट बिल्डिंग डिजाइन, या लेटेस्ट बात करें मार्केट, या किसी भी तरह का आप यहाँ पर डिजाइनिंग से रिलेटेड वर्क देख सकते हैं। आप हमेशा आपको यहाँ पर हमारे लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियो लगातार मिलते रहते हैं। तो ये भी मॉडल हमने एक कहने पर ही डिज़ाइन किया, तो चलो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हमेशा की तरीके से पहले आप इसको डिज़ाइन देख लें। अगर हम फ्रंट की बात करें, सामने से बात करें, तो ये मार्केट ऐसा दिखेगा। जो मेन डोर है ये आपका है, और ये आपकी मार्केट ऊपर तक बना दी है, और ये आपकी मार्केट बनी हुई है। अगर हम साइड इस साइड की बात करें तो ये इसका डिज़ाइन इस तरीके से है, और अगर इसकी बात करें, बैक की बात करें, तो बैक से ये आप ऐसा, क्योंकि ये यहाँ पर 3 साइड दोस्तों यहाँ पर टोटल बना हुआ है इसका डिज़ाइन, और यहाँ पर क्लोज्ड है। इस तरफ पूरा पिलर पर बनाया है, क्योंकि बड़ी बिल्डिंग है और यहाँ पर आपको पिलर देना स्वाभाविक है, क्योंकि अगर टोटल बीम पर बनाएंगे घर तो थोड़ा कहीं ना कहीं कमज़ोर होता है अगर आपको सपोर्ट के लिए पिलर नहीं होता है। तो ये चलो हम इसको डिस्कस करते हैं। तो हमेशा के तरीके से हम इसको पहले ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, आपको ट्रांसपेरेंट जैसे इस मॉडल को आप करते हैं, तो ये देखिएगा दीवारें इसके हाइड हो जाती हैं, आपको पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक इसका ढांचा होता है, जो स्केलेटन ये आपको देखने को मिल जाता है। तो ये पूरा डिज़ाइन ट्रांसपेरेंसी के बाद आपको दिखता है। देख फ्रंट की ऊपर से बात करें तो आप ऐसा देख रहे होंगे, और नीचे आप देखिए चारों तरफ से आप ऐसा मॉडल देख पा रहे होंगे। अब इसकी ट्रांसपेरेंसी जैसे आप रिमूव करते हैं, जैसे इसको ओरिजिनल पोजीशन पर लाते हैं, तो ये आपको ऐसा दिखने लगता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेसमेंट की, मतलब जो तलघर है इसको दिखा देता हूं मैं। तो फ्रंट से बात करूं, ये देखिए आप पे डिपेंड करता है, तलघर अगर ज़्यादा आपका ज़मीन के नीचे है तो आपकी ग्लासेस जो मैंने लगाई है आपको नहीं लगाने पड़ेंगे। और ये जो मैंने डिज़ाइनिंग किया ये वाला रेड कलर का, ये भी आपको नॉर्मल से पिलर ही रखने पड़ेंगे। ये मैंने एक, अगर हम बात करें, अगर जिसको बेसमेंट नहीं बनाना है उनके हिसाब से भी बनाया है, जिसको बेसमेंट बनाया है उसके हिसाब से भी एडजस्ट करके बनाया है। अगर आपका ये तलखर जो मैं बात कर रहा हूँ बेसमेंट की, तो इसमें आप नॉर्मल पिलर खड़े कर दें और यहाँ पर दीवारें खड़ी कर दें दोनों तरफ, तो आपका नॉर्मल घर बन जाएगा। अगर आप ये रोड पर है तो आपको डिजाइनिंग के लिए और बेहतरीन लुक के लिए ये मकान बन सकता है। तो ये साइज़ मैं बता दिया हूँ 30x50 फिट है, जैसे यहाँ से एंट्री करते हैं। तो ये देखिए मैंने सिर्फ यहाँ पर 2 पिलर क्यों दिए, इसका रीज़न है ये हर एक पिलर 10 फिट पे अप्रॉक्स है, और यहाँ पर ये 30 फिट का टोटल एरिया है, जिसमें मैंने ये बीच में ये गैलरी लगातार की ऊपर से लेकर नीचे तक आपको सोच समझ कर डिज़ाइन करना पड़ता है। सपोजर में नीचे अगर ये गैलरी ना देता तो फिर ऊपर कैसे डिज़ाइन करते, क्योंकि अगर पिलर के ऊपर पिलर बनता जाएगा तो आप कितनी भी ऊंची बिल्डिंग बना लें आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है। अगर आपने बीच में कहीं पिलर खड़ा कर दिया तो फिर वो कमज़ोर रहता है, इसलिए मैंने कुछ डिज़ाइन। अब यहाँ पर जो बीमें आप बीम डालना पड़ेगा, यहाँ पर रिंग बीम जो डालना होता है मोटा बीम डालना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम यहाँ की बात करें तो ये 30 फिट का बीम पड़ेगा। ये देखिएगा 30 फिट का बीम पड़ेगा, इसमें तो सपोर्ट है कोई दिक्कत नहीं इस पर, बट सपोर्ट नहीं है। 30 फिट का बीम बहुत ही लंबा होता तो आपको मोटा रिंग डालना पड़ेगा। इसके बाद ये तो हो गया बेसमेंट पूरा आपका ओपन है, आप इसको कुछ भी यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। अब ये तो इसकी बात हो गई, अब हम ले चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पर। तो फ्रंट से ऐसी बात करेंगे, देखिए ये पूरा ऐसा दिखेगा, और स्टेयर्स जो मैंने डिज़ाइन किए हैं दोस्तों, सबसे नीचे स्टेयर्स हैं, मैं आपको इसमें दिखाना चाहूँ। इसमें देखिए स्टेयर्स आपको नहीं दिख रही होंगी,
मैंने क्योंकि गलती से छूट गया है, चलो मैं इसको पूरा कर देता हूँ। तो ये देखिए स्टेयर्स मैंने पीछे दिए दोस्तों, यहाँ पर कोई भी स्टेयर्स नहीं, ये पूरा स्टेयर्स का एरिया निकाल दिया। ये आप यहाँ से जाएंगे और ऊपर चले जाते हैं, ये तो स्टेयर्स की बात हो गई। और अब फिर से आते हैं, ये देखिए पूरी मार्केट, जैसे स्टेयर्स के माध्यम से आप ऊपर आते हैं तो ये सबसे पहले आपको एक गैलरी, मैं पीछे डिस्कस कर रहा हूँ, ये देखिए एरिया एक ओपन रहेगा, ये आपका गैलरी है लगभग, मैं आपको बता दूँ शायद, और ये आपकी चार दुकानें हैं, 1, 2, 3, 4 लगभग 10x12 की दुकानें हैं, और इस तरफ भी ये चार दुकानें हैं, और ये स्टेयर्स का पार्ट हो गया। यहाँ पर दोस्तों ये आप जो देख पा रहे हैं, ये आप चाहे तो दुकान बना दें यहाँ पर, या आप लेटरिन बाथरूम यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर मार्केट बना रहे हैं तो आपको लेटरिन बाथरूम का विशेष ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर आप लेटरिन बाथरूम इस कॉर्नर पर बना सकते हैं, या बीच में किसी पर भी एडजस्ट कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। बट मैंने जो इस, या तो आप इस स्टेयर्स के नीचे लेटरिन बाथरूम बना सकते हैं, इसको भी दुकान बना सकते हैं, या आप पर डिपेंड करता है। तो ये पूरी मार्केट आपका डिज़ाइन किया, ये फ्रंट का लुक है, इस वजह ये भी मार्केट, लेकिन ये ग्लासेसदार मार्केट और थोड़ा सा डिजाइनिंग का पार्ट मैंने कर दिया है। तो ये पूरा मार्केट डिजाइन हो गया फर्स्ट फ्लोर पर। ये मैंने यहाँ पर लगभग 2 से 2.5 फिट का 200 छज्जा निकाल दिया है, रेलिंग देख पा रहे होंगे। अब इसका लास्ट फ्लोर डिस्कस करते हैं, जो कि आपके रहने योग्य है। जैसे स्टेयर्स के माध्यम से ऊपर आते हैं तो सबसे पहले ये देखिए आपका यहाँ पर मिल जाता है ग्लासेस वाला एरिया, किचन का एरिया है, यहाँ पर मैंने किचन एडजस्ट किया है। ये आपका बड़ा सा बेडरूम मिल जाता है, यहाँ पर आप लेटरिन बाथरूम एडजस्ट कर सकते हैं इस एरिया में। ये आपका एक हॉल मिल जाता है बड़ा सा, ये आपका ड्राइंग रूम मिल जाता है यहाँ पर, ये देखिएगा ओपन एरिया है यहाँ पर आप, ये आपका गेस्ट रूम मिल जाता है, और ये आपका एक चाइल्ड रूम मिल जाता है, ये आपका लेटरिन बाथरूम है। ये देखिए ये आपका लेटर यहाँ बनाना चाहें तो बना सकते हैं, अन्यथा आप इसको लीव करना चाहें लीव कर सकते हैं। यहाँ पर आप सब कुछ एडजस्ट कर दें, यहाँ पर आप ओपन जगह छोड़ दें। हर एक रूम के लिए मैंने वेंटिलेशन के प्रॉपर विंडो और डोर दिए हैं, आप देख पा रहे होंगे, और ये डोर है, ये विंडो है, इसके लिए ये डोर है। अगर आपको यहाँ पर जाना है फ्रंट पर, अगर आपको गैलरी इससे छज्जे पर आना, तो आपको इस ग्लासेस का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो ये पूरा रहने योग्य मॉडल मैंने ये क्रिएट कर दिया और पूरा मकान डिजाइन कर दिया। तो मेरा डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट करके बताएं। और सबसे लास्ट वाले फ्लोर पर सिर्फ मैंने रेलिंग बनाई है चारों तरफ, और कुछ भी डिज़ाइन नहीं किया है। और ये 3 साइड ओपन हाउस है, तो जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था। अब बात करता हूँ इसके एग्जैक्ट साइज़ की, कि हर एक रूम का साइज़ कितना है, तो वो जानने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पर विजिट करना पड़ेगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और इस मॉडल का देखिए ये मैंने दिया है, यहाँ पर जूम करके देख सकते हैं, इसको आपको ख़रीदना पड़ेगा दोस्तों, सिर्फ मात्र 199 रुपीज़ में आप इसको परचेज कर सकते हैं। जैसे बाय नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपसे नाम पता मांगेगा और आपको पेमेंट करवाएगा 199 का, और आपके प्रोफाइल में जाकर सेव हो जाएगा एज अ जिप फाइल, और उसको एक्सट्रैक्ट करके आपके यहाँ पर इसकी सारी 2D images, 3D images विद साइज आपको मिल जाती हैं। तो ये आपको थोड़ा सा अमाउंट पे करना पड़ेगा दोस्तों, सिर्फ 199 रुपीज़, और इसका पूरा मॉडल 2D 3D images विद साइज के अकॉर्डिंग आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये पूरा मॉडल कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अगर आपका कोई रिकमेंडेड मॉडल है, आप चाहते हैं कोई रिकमेंडेड बनवाना मुझसे मॉडल, तो मुझे कमेंट करें और आपका मैं पूरा मॉडल बनाकर दूंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक से जरूर कर दें। अगर इस चैनल से अभी तक आप जुड़े नहीं स्मॉल हाउस प्लान से, तो प्लीज़ ज़रूर जुड़ जाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।